अनुश्री और आप देख रहे हैं डेली बज इंडिया। मान लीजिए आपको नीरज चोपड़ा से मिलने का मौका मिल जाए, अगर ऐसा होता है तो आप उनसे कैमरे पर क्या सवाल पूछेंगे? जाहिर तौर पर वो स्पोर्ट्स से जुड़े हैं तो उनसे पूछे जाने वाले सवाल भी स्पोर्ट्स से जुड़े होंगे, लेकिन देश की मीडिया उनसे पूछ रही है कि क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, तो कोई उन्हें सुंदर बताते हुए पूछ रहा है कि आप शादी कब कर रहे हैं। एक एफएम चैनल के आरजे तो उनका वीडियो इंटरव्यू लेते हुए उनके सामने ही डांस भी करने लगी थी, और अब एक नया वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में इंडियन एक्सप्रेस के खेल संपादक संदीप द्विवेदी नीरज चोपड़ा का इंटरव्यू ले रहे हैं। उसी इंटरव्यू के क्रम में इतिहासकार राजीव सेठी अपने सवाल को बेहुदा बताते हैं और नीरज चोपड़ा से उनके सेक्स लाइफ के बारे में पूछ लेते हैं, जिस पर नीरज चोपड़ा शर्मा जाते हैं और सॉरी कहते हुए जवाब को टाल देते हैं। देश की बड़ी हस्तियों के बारे में जानने की सभी की इच्छा होती है। लोग जानना चाहते हैं कि उनका पसंदीदा कलाकार या खिलाड़ी अपनी पर्सनल लाइफ में क्या क्या करते हैं, लेकिन इन सभी जिज्ञासाओं का भी एक दायरा होता है। राजीव सेठी जानते थे उनका सवाल पूछने लायक नहीं है, लेकिन फिर भी वो पूछते हैं, आपकी जो एथलेटिक ट्रेनिंग है उसका आप सेक्स लाइफ से कैसे संतुलन बनाकर रखते हैं? मैं जानता हूँ ये एक बेहुदा प्रश्न है, लेकिन इसके पीछे एक सीरियस सवाल भी है। इस सवाल को सुनते ही नीरज असहज हो गए और हिचकते हुए बोलने लगे, सर सॉरी, बस सॉरी बोल दिया आपको, इसी से आप जान सकते हैं। इसके बाद भी सेठी नहीं रुके और दूसरा सवाल पूछा, आप ये बताएं कि नौजवान लोग जो स्पोर्ट्स करते हैं, सेक्स तो नेचुरल है, मगर अपनी एथलेटिक ट्रेनिंग के साथ आप कैसे संतुलन बनाकर रखते हैं? इसमें बहुत मैसेज है। नीरज इस पर भी कुछ नहीं बोलते हैं। तब राजीव सेठी कहते हैं, मैं जानता था कि पूछने के लिए मुझे माफ करे। इस पर नीरज चोपड़ा कहते हैं, प्लीज सर, आपके सवाल से मेरा मन तो वैसे ही भर गया, प्लीज। सोशल मीडिया पर यह वीडियो आते ही नेटिजंस ने इसकी आलोचना करना शुरू कर दिया। एक राज नाम का ट्विटर यूजर लिखता है, राजीव सेठी के मनोविज्ञान को देखो, वो जानते हैं वो कुछ भी नहीं है, और अगर वो एक बेवकूफी भरा सवाल पूछ देंगे तो लाइमलाइट में आ जाएंगे और कुछ बन जाएंगे। एक और यूजर तन्वी निदर लिखती है, नीरज जिस प्रसिद्धि को ढूंढ रहे थे वो ये नहीं है, ये देखकर मुझे बहुत दुख होता है। ये चैंपियन को बदनाम किया जा रहा है। ये मामला ट्विटर पर लगातार ट्रेंड करता रहा और लोग तमाम तरह की बातें लिखते रहे। नीरज के लिए विवाद नया नहीं है, इससे पहले भी उनको लेकर एक विवाद हुआ था, जब एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, मैं फाइनल की शुरुआत से पहले अपना भाला खोज रहा था लेकिन मिल नहीं रहा था, तभी मैंने देखा कि पाकिस्तान के खिलाड़ी अरशद नदीम मेरे भाले के साथ घूम रहे हैं। मैंने अरशद से कहा कि भाई ये मेरा भाला है, मुझे दे दो ताकि मैं थ्रो कर सकूं। इस बयान को अपने हिसाब से तोड़कर लोग पाकिस्तानी खिलाड़ी अरशद नदीम को ट्रोल करने लगे थे। नदीम के ऊपर ये आरोप लगने लगा कि उन्होंने जानबूझकर नीरज का भाला अपने पास रख लिया था। मामला इतना कॉन्ट्रोवर्शियल हो गया था कि नीरज चोपड़ा ने खुद आकर एक वीडियो ट्वीट किया, मेरी आप सभी से विनती है कि मेरे बयान को अपने गंदे एजेंडे को आगे बढ़ाने का जरिया ना बनाएं। स्पोर्ट्स हम सबको एकजुट होकर साथ रहना सिखाता है और कमेंट करने से पहले खेल रूल्स जानना जरूरी होता है। ये बहुत सिंपल सी बात है कि जो हमारा निजी भाला होता है उसे हम खेल के वक्त रखते हैं और उसको सभी भाला फेंकने वाले इस्तेमाल कर सकते हैं, ये नियम है। नीरज चोपड़ा के साथ ऐसी कॉन्ट्रोवर्सी लगातार होती जा रही है, एक शब्द को अपने तरीके से परोस कर या आपत्तिजनक सवाल पूछकर। खैर, आगे देखते हैं कि ऐसे मामले रुकते हैं या इसी तरह जारी रहते हैं। फिलहाल अभी उम्मीद की जा सकती है कि ऐसा मामला फिर से सामने ना आए। फिलहाल आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और साथ ही डेली बज इंडिया की सारी नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन बटन को भी दबाएं।